आज आपका इंटरव्यू मुख्य टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों संधि, जो एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और संधि को विसंधि के क्षेत्र सम प्लस दी, सम प्लस में थी, ये बन गयो संधि। संधि का भेद है, संधि की परिभाषा बताऊंगा, परिभाषा दो ध्वनि आपके पास में आवे और दो वर्णों पास में आने कारण जो विकार उत्पन्न हुए क्या कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। परिभाषा लिखने की थोड़ी अब लिखा भेद। संधि प्रकार है तीन प्रकार की, ठीक है। पहला प्रकार है सवर संधि, ये है सवर संधि। पहला सवर संधि, दूसरो व्यंजन संधि, और तीसरो विसर्ग संधि। तीन भेद का आज आप एक लेना पहले सवर कौन संधि पढ़ाना है सवर संधि। मेनली टॉपिक आप सवर संधि पढ़ाना है सवर। सवर संधि कितना प्रकार है भाई? पांच। सवर का प्रकार कितना है? पांच। पहलो दीर्घ, दीर्घ। दूसरो गुण, तीसरो यण, वृद्धि। तीसरो क्या बोला अपन? वृद्धि संधि। और चौथो यण। और लास्ट अंतिम पांचवो या ए, पांच प्रकार के हो गया सवर संधि का। अब एक मुख्य टॉपिक का पहले पूछने आप दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का दीर्घ संधि का मतलब है लघु या दीर्घ कोई भी मतलब लघु वर्ण है। लघु वर्ण कितने प्रकार? लघु है तीन प्रकार का, तीन लघु ए ई उ। ए क्या है? मूल स्वर कुछ भी तो यही है, हस्व कुछ भी तो यही है, और कुछ लिए लघु तो भी है ये तीन नाम आ गए, ठीक है। और मुख्यतः कितना स्वर हुआ है हिंदी के अंदर? स्वर की संख्या कितनी है? स्वर पांच, ग्यारह स्वर हुआ है। ए आ ई उ उ उ आगे री टोटल कितना स्वर हुआ है? ग्यारह। और दो क्या होगा? एक अनुस्वार है और एक विसर्ग। हाँ क्या बोला है? अयोग वाह है, दो अयोग वाह हुआ और ग्यारह क्या हुए स्वर हुआ है। एंड दो रह गए जहाँ ए है, टोटल ग्यारह हुआ है। हम आपको आज दिन ला रहे हैं दीर्घ संधि के लिए। दीर्घ संधि के लिए दीर्घ स्वर हुआ तीन स्वर का माप लगभग आ ई और आ आगे चीज दीर्घ आ जाए चाहे कोई लघु वर्ण आ जाए सेम होनी चाहिए कंडीशन में। ए के समी आ जा ए आ जा लेकिन बनाओगे दीर्घ बनाओगे आ ही बनाएगा। आज आप पहले लेना मैं जैसे ए और ए मिली क्या बने वो आप ये मेरे उदाहरण देना है। पहले बोलते मत मतानुसार एक वर्ड है मतानुसार मता अनुसार। पहले उदाहरण सुनाना है ए और आने दे एक वर्ण है मतानुसार। यहाँ पर मतलब एक नॉर्मल देखा घरों टूट गए हो वो बीच में आठ नजर आ रही है आने दे आप ऐसे लिख दियो मैं और तय आ दो और आ ना के काट लियो और नू अलग कर दियो और सा अलग कर दियो रे अलग कर दियो। अब ए वर्ड के अंदर भी दो वर्ड है मैं और ते आगे दो भागा वर्ड्स का ए प्लस बस आ ए ए प्लस ए आ हो गया और तो ना मिल गया तो आ वाले लगे आ अलग अलग कर ए ए बोलियो के बोलियो ए नू सार ए ने इन सके मिला दें के बन जाइयो मत प्लस में अनु सार
पास जोड़ो प्रभा तोड़ के दिए जोड़ दो ना वापस तो क्या जोड़ो ए ए काट लियो मैं है या गए तैयार दो आई गयो ए काट लियो इलम बिके काट लियो ए काट लियो नू सारे लग दियो ठीक है तो ए एरर ए एरर में गई मणियो आ मत प्लस आ के आगे नू सार यो आ ए तैगे अंदर चल के बन गयो मत अनुसार मत नू सार आयो सुन नहीं कुछ रहे बड़े आ खड़े सुन नहीं इंग्लिश लॉजिकल डिक्शन दिया यानी मतलब एरे एने मिल के भी केवल जगह और एक और उदाहरण भाई जी आप लिखा पराधीन एक बड़ा पराधीन परा दीन वर्ड सुन लो पराधीन एक पराधीन वो नॉर्मल से पता है कि वो आठ हाँ लगे हो एम टूट हो गया पै और रे काट लियो अलग है अठे के रह गयो आ रह गयो अलग काट लियो अठे के रह गयो बस है जी की ना देखो अठे भी आ गयो कुछ ना पर ए के भागन टूट लगे ए प्लस ए जी वो ए के अंदर चले जाते के अपन के ऊपर बन गयो है पर प्लस है आई सुन ने ओके हो गयो पर प्लस से अधीन आ दोनों जोड़ा से एम भी ए निकल गयो अठे ए है या के आ दोनों मिले से आ बन जाबो ये बन जाबो पर आ वापस से पर आ दिन दिन ऐ देखो यस प्रदीन को मैन जो क्वेश्चन दी में पूछे रहे हो दस सब ये भी प्रदीन हां प्रदीन को बढ़ो प्रदीन ओ भी सही है इन मतलब के तोड़ के बनावा जे एन कर दी के प्रदीन अलग कर विशेष कर लिखना है संधि विच्छेद करा दो दीन हमारे के ऊपर प्लस है ए आगे ना दीन जो ओ यानी वो ए दिखा ए रे में भी तो ए ही है स्वतंत्र वर्ण बोली स्वतंत्र सिर्फ सवर स्वतंत्र हो भी सही जने के दूसरे वर्ण की जरूरत कौन पड़े लेने की कह लिखा तो कह ले ए भी सगा हुआ तो ए मिल गई कह बना के कह बोलना तो क्या है स्वतंत्र बोलियो कह ए की बात सगा होगी ठीक है ए ने बोलो तो आवाज आएगी सगा हो ए ही है आ ने बोलो कोई आवाज आएगी आपने एफ एम मिल गई और एफ एम लिखे बने वो बड़ो आ छोटी ई लिखे बने वो बड़ी ई ऊ छोटो ऊ छोटो लिखे बने वो बड़ो ए देखो आ सौरा को निर्माण हो रहा है ठीक है अब एक तो उदाहरण लिखा दूं मैं थाने निरीक्षण दी मतलब आने लिए है ए का उदाहरण देखा पहले फिर आप ई का देखा जरूर तो चलता है एक देख एक आवाज मतलब लगभग सूर्यास्त सूर्यास्त ए के संधि विच्छेद करो तो किया ग्राम फ्रॉम हम नजर आवे फ्रॉम टूट गयो सूर्य प्लस मैं सूर्य प्लस सिंपल बना तो यहां सूर्य प्लस अस्त सूर्य अस्त सूर्य अलग चीज दिख रहा है सूर्य प्लस अस्त अस्त टूट गयो पता चले टूट गयो ए ए ये लिखा तो सूर्य है वो अदो माने जब ये है ए अंदर है ही एक आगे ए आ गयो अस्त ए दोनों मिलके के बना देगा आगो निर्माण कर देगा वो आ के साथ जो बात है ये के अंदर क्यों जो फिर सूर्य अस्त ठीक है वो ए अंदर सूर्य अस्त आई समझ में ये यहां पर और कोई उदाहरण था अगर पर कोई राम अवतार रसायन ले लिया रसायन रस प्लस में आयन रे सा ये में रसायन रसायन संधि छेद